जोशी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान से बड़े आतंकी हमले की खबर है। पहला हमला ईरान की संसद में हुआ है, जहां हमलावरों ने फायरिंग की और कुछ लोगों को बंधक बनाया है, ऐसी खबर आ रही है। वहीं दूसरा हमला सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी की मजार पर बताया जा रहा है, वहां एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, क्या कुछ खबर है इस वक्त? इंसिडेंट करीब सुबह 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हुआ, अभी भी ये अंडरवे है। ईरान की जो दो मेजर जगह अटैक हुआ है वो ईरान के पार्लियामेंट में हुआ है, और उसके बाद आयतुल्ला खमीनी की जो मजार है सदन तेहरान में, वहां पर अटैक हुआ है। करीब तीन अटैकर्स बताए जा रहे हैं ईरान की पार्लियामेंट में भी, जब जो ने स्टॉर्म करा, और ईरान के जो मजोलियम है उस अटैक में भी एक बंदे की मारे जाने की खबर आ रही है, पुष्टि हो चुकी है। वहां की जो एजेंसी है प्रेस टीवी ने कंफर्म कर दिया है। हमारे पास वीडियो भी, आप विजुअल्स भी अभी जल्दी प्ले करेंगे। और ये अटैक तब आया है जब ग्लोबली अगर हम देखें टेररिज्म को लेके काफी ज्यादा एक कंसेंसस बनाया जा रहा है, और पिछले एक हफ्ते में अगर हम टेरर के जो भी इंसिडेंट काउंट करें तो बहुत ज्यादा है। लंदन ब्रिज में पहले अटैक हुआ, काबुल में अटैक हुआ जिसमें 150 लोग मारे गए, उसके बाद आज ये तेहरान में मल्टीपल अटैक की खबर आ रही है। और इसका एक सिंबलिज्म भी है, क्योंकि जो मजोलियम है आयतुल्ला खुमैनी का, वो आयतुल्ला खुमैनी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि वो चीफ आर्किटेक्ट थे जो 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, इरानियन रेवोल्यूशन, और उसने जो रेजा शाह पहलवी की जो मुनाकी हुई, ओवरथ्रो कही थे, वो एक तरफ से फादर फिगर माने जाते हैं नई मॉडर्न स्टेट का, जो ईरान की जो मॉडर्न स्टेट अभी जो हम देख रहे हैं। तो एक तरह से एक सिंबलिज्म भी है इस अटैक को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना एक मैसेज देना, और वहां पे एक सुसाइड बॉम्बर था, वन ऑफ द पर्सन वाज अ सुसाइड बॉम्बर जिसने अपने आप को एक ब्लो अप कर दिया। अभी हमें पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, बट एक बंदे की खबर इस वक्त कंफर्म हो गई है। तो हम अपनी नजर बनाए इस वक्त रखे हैं यहाँ पर, और ये अभी सिचुएशन अंडरवे है, काफी फ्लूइड सिचुएशन है। सिद्धांत, हालांकि अभी बहुत ये प्राथमिक सूचनाएं आ रही हैं और कुछ कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ईरान के इतिहास को देखें और इस पूरे इलाके में आतंकवाद के इतिहास को देखें तो क्या कुछ लग रहा है इसको देख करके? जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी अगर हम अटैक की बात करें, अटैक ऐसे मोमेंट में आ रहे हैं जब